हेलो गाइस, दिस इज कुशाग। वेलकम बैक टू माय चैनल कुशाग द सेंटर फॉर एक्सीलेंस। सो गाइस, आज किस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर, साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 15 चैप्टर, जो कि लास्ट चैप्टर। सो हमारी साइंस एनसीईआरटी इस बार खत्म होने वाली है, पूरी डी एंड होने वाला है। सो चैप्टर है क्या, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। क्या है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। सो ये हमारा चैप्टर है। आप देखिए कि रिसोर्स आपको पता है क्या होता है, रिसोर्स होता क्या है आपको पता है, किसी भी चीज से हमें कुछ मिल रहा होता है तो उसी को, वो चीज हमारे लिए रिसोर्स होती है। अब जैसे फूड है, फूड एक रिसोर्स है क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। अब नेचुरल रिसोर्सेज नेचर ने हमें दिया है क्या, तो स्पेयर, हाइड्रोस्पेयर, एटमॉस्फेयर, इन सबसे मिलकर हमारी लाइफ बनती है। सो ये हमारे लिए रिसोर्स हुआ ये सब। इस चैप्टर में हम फूड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे होता है। अब ध्यान रखिए कि फूड आता कहाँ कहाँ से है, पहले तो ये जानना जरूरी है। यह फूड यहाँ मैंने लिख दिया फूड। अब ये आता कहाँ कहाँ से है फूड, ये दो जगहों से आता है। कहाँ से, दो जगह से आता है। एक कहाँ से आता है, एक आता है एग्रीकल्चर या प्लांट्स भी या प्लांट्स कह सकते हैं, प्लांट्स से आता है। अब यहाँ बात करें हम इसकी, तो यहाँ आता है एनिमल हस्बेंड्री या फिर हम एनिमल भी कह सकते हैं, सो यहाँ में एनिमल हस्बेंड्री है, या हम चाहे तो एनिमल्स भी कह सकते हैं। सो इन दो जगहों से हमारा फूड आता है। ओके, अब एग्रीकल्चर से कैसे आता है, प्लांट से, एनिमल हस्बेंड्री से, एनिमल से कैसे आता है। सो कई सारे वेज होते हैं, पर पहले तो देखिए कि फूड है, फूड से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या चीजें मिलती हैं, न्यूट्रिएंट्स मिलता है एक कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, या कार्बो भी कह सकते हैं। ओके, फिर हमें मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, फिर हमें मिलता है प्रोटीन, क्या प्रोटीन मिलता है हमें, ठीक है। फिर हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिलता है प्रोटीन के बाद फैट मिलता है। अब इस और क्या मिलता है हमें, विटामिन्स मिलते हैं हमें। अब और क्या मिलता है हमें, लास्ट चीज मिलती है मिनरल्स, ये सब मिलता है। अब फूड कहाँ कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। अब यहाँ से आता तो है, अब इन सब से क्या मिल रहे होते हैं, ये जो है ये और ये, इनसे क्या मिल रहे होते हैं, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं इनसे। और न्यूट्रिएंट्स में क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। अब ये भी बहुत जगहों से मिलते हैं हमें, बहुत चीजें होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट मिल रहा होता है सीरियल से, कहाँ से, सीरियल से मिल रहा होता है। प्रोटीन कहाँ से मिल रहा होता है, प्रोटीन बताइए कहाँ से मिल रहा होता है, पल्सिस से प्रोटीन मिल रहा होता है। फैट ऑयल से मिल रहा होता है, ऑयल से। विटामिन्स और मिनरल्स, ये दोनों ही कहाँ से मिल रहे होते हैं, ये वेजिटेबल्स से मिल रहे होते हैं, और कहाँ से मिल रहे होते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स यहाँ से हमें ये मिल रहे होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट सीरियल से मिलता है ना, पल्सेस से मिलता है हमें प्रोटीन, ऑयल से मिलता है हमें फैट। ओके, विटामिन और मिनरल्स दोनों ही हमें कहाँ से मिलते हैं,
हैं वेजिटेबल और फ्रूट से। अब विटामिन भी कई तरह के होते हैं, जैसे विटामिन विटामिन ए, जैसे विटामिन विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ऐसे और भी होते हैं है ना, विटामिन ए बी सी डी है ना, ये सब मिलते हैं हमें। ई मिल रहा होता है विटामिन ई, ये सब हमें मिल रहे होते हैं। अब बी में भी होते हैं जैसे बी वन, क्या विटामिन बी वन कॉमा विटामिन बी टू कॉमा विटामिन बी ट्वेल्व, ये होता है। अब विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। अब हमें विटामिन ए किस चीज से होता है, यानी कि विटामिन ए किस चीज को, किस विटामिन ए खाने से हमें क्या चीज ठीक होती है, विटामिन ए से क्या होता है, क्या क्या डिफिशियंसी होती है, क्या डिफिशियंसी सही हो जाती है, सही होती है इन सब से। हमें अगर हमें कमजोरी हो रही होती है किसकी, लाइट ब्लाइंडनेस की, लाइट ब्लाइंडनेस, ब्लाइंड हाँ ब्लाइंडनेस, लाइट ब्लाइंडनेस की। सो हमें इनकी कमी हो रही होती है लाइट ब्लाइंडनेस की। सो यहाँ पे क्या हो रहा होता है, ये इससे हमें क्या होता है, विटामिन ए, ये इससे ये विटामिन ए का होता है। अब जैसे विटामिन ए हो गया, अब विटामिन बी, बी बी से होता है बेरी बेरी, क्या बेरी बेरी, बेरी बेरी होता है, ओके ये होता है विटामिन बी से। अब सी, सी से क्या होता है, सी की जब हमें किस चीज की कमजोरी होता है, किससे होता है, किस चीज की कमजोरी से हमें सी, स्कर्वी, स्कर्वी, स्कर्वी से हमें क्या होता है, ये विटामिन सी खाने से स्कर्वी ठीक होता है हमारा, ठीक है। अब डी, डी से क्या होता है, डी, अब डी में होता है जैसे रिकेट्स, 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 रिकेट्स होता है, ओके ये सब होते हैं हमारे, है ना। तो ये विटामिन्स की बात हो गई, अब है ना विटामिन्स की बात हो गई। अब मिनरल्स में बात करें तो जैसे आयरन, आयोडीन, ऐसे होता है फास्फोरस, ये सब क्या होता है, ये सब मिनरल्स में आते हैं, आयरन, ये सब है ना, तो ये होता है। अब हमने ये बात करें किसकी, फूड, फूड में क्या क्या होता है, फूड से ये दोनों टाइप पढ़े हमने, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, इसमें से इनसे हमें न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स। अब कार्बोहाइड्रेट में सीरियल्स, प्रोटीन में पल्सेस, फैट में ऑयल, विटामिन्स वेजिटेबल और फ्रूट, मिनरल्स वेजिटेबल और फ्रूट। अब विटामिन्स में भी हमने कई चीजें पढ़ी, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। सो विटामिन ए में भी हमने पढ़ा लाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन विटामिन बी में हमने पढ़ा बेरी बेरी, सी में पढ़ा स्कर्वी, डी में रिकेट्स। अब विटामिन बी भी हमने पढ़े बी वन, बी बी टू, बी टू और बी ट्वेल्व, ये सब हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई थी, इंट्रोडक्शन बता दिया है मैंने। अब ये जो है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में मैंने आपको बताया था ना, अब बात करते हैं हम एग्रीकल्चर में क्या क्या आते हैं, कैसे कैसे एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर वाले फूड से हमें क्या मिलता है। जैसे एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं हम, एग्रीकल्चर यहाँ पे अभी तक एग्री एग्रीकल्चर मिल रहा होता है। अब एग्रीकल्चर में क्या क्या आता है, जैसे क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट है ना, फिर आता है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट या क्रॉप प्रोडक्शन या इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन वो सॉरी क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट या क्रॉप प्रोटेक्शन इंप्रूवमेंट, ये सब काम में आता है। ये थ्री स्टेप्स हैं हमारे फूड की एग्रीकल्चर वाले में, है ना, एग्रीकल्चर वाले में, जहाँ से एग्रीकल्चर से आता है थ्री स्टेप होती है। अब क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हायर यील्ड्स, इम्प्रूव क्वालिटी, इम्प्रूव क्वालिटी, बायोटिक एंड एबायोटिक रेसिस्टेंस, हमें क्या करना होता है, इम्प्रूव करनी होती है क्वालिटी, हायर यील्ड्स, यील्ड्स को हायर करना होता है। अब ये सब होते क्या है, चलिए यहाँ से देख लेते हैं।
ये सब होते क्या है हायर यील्ड। पहले बात करते हैं हम हायर यील्ड की। हायर यील्ड में क्या होता है चलिए देखते हैं। हाँ तो देखिए हायर यील्ड में क्या है, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप। हमें इंक्रीज करनी है पहले तो क्रॉप जो है हमारी उसकी प्रोडक्टिविटी हमें इंक्रीज करनी है, ठीक है। अब फिर है हमारा इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूव्ड क्वालिटी। इम्प्रूव क्वालिटी क्या है, क्वालिटी कंसिडरेशन ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। यानी कि ये जो क्वालिटी होती है हमें कंसिडरेशन करनी होती है, क्वालिटी किसकी, क्रॉप की क्वालिटी हमें। और प्रोडक्टिविटी वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, कहाँ से करनी होती है हमें कंसिडरेशन, क्रॉप की क्वालिटी की, क्रॉप की क्वालिटी का कंसिडरेशन कहाँ से करना होता है, एक क्रॉप से दूसरी क्रॉप तक। ये आते हैं इम्प्रूव क्वालिटी। ओके फिर आता है बायोटिक एंड एबायोटिक रेसिस्टेंस। इसमें क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक। जब क्रॉप प्रोडक्शन गो डाउन डाउन में जाता है तो ये क्या होता है बायोटिक। बायोटिक में भी बहुत सारी चीज आती है, बायोटिक में जैसे डिजीजेस, इंसेक्ट एंड नेमेटोड्स, ये इन सब से क्या आता है क्रॉप डाउन में जाती है। अब एंड एबायोटिक ड्रॉटली साइलेंटली वाटर हीट कोल्ड एंड फोर्स, इन सब से क्या जाता है अब जाता है। सो ये बायोटिक एबायोटिक रेसिस्टेंस में आते हैं एबायोटिक। ओके फिर आते हैं हम, हाँ तो इसके बाद आता है चेंज इन म्यूटिलिटी ड्यूरेशन। चेंज कैसे होता है म्यूटिलिटी ड्यूरेशन में, द शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग एंड इकोनॉमिकल इज द वैरायटी। यानी कि ये जो हमें शॉर्टर ड्यूरेशन होता है, क्या ये कैसा ड्यूरेशन है, ये शॉर्टर ड्यूरेशन होता है ऑफ द क्रॉप, क्रॉप का शॉर्टर ड्यूरेशन होता है फ्रॉम सोइंग ऑफ हार्वेस्टिंग के सोइंग से। अब फिर है द मोर इकोनॉमिकल इज द वैरायटी। इसकी जो मोर इकोनॉमिकल है वो क्या है, मोर इकोनॉमिकल वैरायटी से होता है ये। ओके ठीक है अब आते हैं हम वाइडर एडेप्टेबिलिटी क्या होती है, डेवलपिंग वैरायटीज फॉर वाइडर एडेप्टेबिलिटी विल हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। हाँ तो हमें डेवलप करनी होती है वैरायटीज फॉर, हमें डेवलप करनी होती है अलग अलग तरह की वैरायटीज, किसके लिए करनी होती है वाइडर एडेप्टेबिलिटी के लिए। ओके वाइडर एडेप्टेबिलिटी के लिए विल, ये हेल्प करता है हमारी एस्टेब्लिशिंग में हमारी ये हेल्प करता है द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन। अब ये जो क्रॉप प्रोडक्शन है ये अलग अलग तरीके की एनवायरमेंट में होता है। ओके एनवायरमेंट तो हम आपको पता ही है क्या होता है, एनवायरमेंट थ्री टाइप की एनवायरमेंट होता है, ठीक है। सो अलग अलग तरीके की एनवायरमेंट में होता है। अब आते हैं फिर क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है। ये जो है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ओके इसमें क्या होता है, जैसे न्यूट्रेंट्स मैनेजमेंट आता है ना, न्यूट्रेंट्स मैनेजमेंट। फिर आता है इरिगेशन के बाद आता है चेंजिंग पैटर्न्स, ये सब चीजें हमारी आती हैं। अब न्यूट्रेंट्स मैनेजमेंट क्या होता है, न्यूट्रेंट्स जो होते हैं ना, न्यूट्रेंट्स का मैनेजमेंट करना किससे होता है, फ्रॉम सॉइल से। ओके अब ये कैसे कैसे होता है, मैन्योर से होता है और फर्टिलाइजर से होता है ना। अब मैन्योर क्या होता है, मैन्योर में ये डिकम्पोज्ड मैटर होता है एनिमल और प्लांट वेस्ट का, उसे डालना होता है सॉइल में। अब ये भी होता है जैसे कंपोस्ट कर देते हैं, डिकम्पोज्ड मैटर जो होता है उसे कंपोस्ट करके डालते हैं। और वर्मी कंपोस्टिंग यानी कि जो राउंड वर्म्स जो होते हैं या वर्म्स होते हैं, अर्थ वर्म या राउंड वर्म्स कुछ भी कहते हैं, उन्हें डालते हैं तो ये वर्मी कंपोस्टिंग होता है, ठीक है। ओके ये होता है, इतनी सारी बातें तो हमारी मैन्योर में आई। अब आते हैं हम फर्टिलाइजर क्या होता है, फर्टिलाइजर खाद हम डालते हैं ना न्यूट्रिएंट्स बढ़ाने के लिए सॉइल में, ताकि अच्छा सा रहे, अच्छे रहे हमारा प्लांट, तो न्यूट्रिएंट डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी डालते हैं। जब न्यूट्रिएंट्स उस सॉइल के अंदर है तो फर्टिलाइजर डालना है ताकि न्यूट्रिएंट्स उसे ज्यादा से ज्यादा मिले, है ना, ठीक है। ओके ये हो गया, अब न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट क्लियर कर दिया मैंने। और इरिगेशन के बारे में क्या है, इरिगेशन में वाटर से इरिगेशन होता है, वाटर डालना होता है। अब
क्या है ये? जैसे वेल्स वेल से डालते हैं, कैनल्स कैनल से डालते हैं, रिवर लिफ्ट सिस्टम, रिवर एक रिवर का लिफ्ट सिस्टम होता है वो, और क्या होता है रिवर लिफ्ट सिस्टम। इसके बाद आता है हमारे टैंक्स, टैंक से होता है। अब वेल्स, वेल्स क्या होती है? वेल्स भी दो तरह की वेल्स होती हैं, जैसे डग वेल्स और ट्यूब वेल्स। इन सबसे हमें वाटर डालना होता है, कहाँ पे? कहाँ पे डालना होता है? प्लांट में हमारे, ताकि क्या हो, वाटर मिले उसे। अब ये कहाँ पे आ रहा है? क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट हो रहा है, ये क्रॉप का प्रोडक्शन का हो रहा है। ओके ठीक है, अब ये करते हैं कि अब ये जो होता है हमारा, ये वेल्स तो हमने समझ ली। ओके इसके बाद कैनल्स, कैनल से कैसे जाता है? कैनल्स क्या करता है? ये रिसीव कर लेता है, ये वाटर को कैनल रिसीव कर देता है, रिसीव करता है कैनल अपने अंदर वाटर को। अब फिर उस कैनल से हम क्या करते हैं, हमने प्लांट जो है हमारा उसमें हम डाल देते हैं। ठीक है, अब रिवर लिफ्ट सिस्टम एक ऐसा लिफ्ट सिस्टम है जहां से रिवर, ये रिजर्वर जो है, ये ऐसा रिजर्वर है, बहुत ही ज्यादा बड़ा रिजर्वर है। जैसे रिवर देखी होंगी बहुत बहुत बड़ी होती है, उसमें बहुत वाटर होता है, तो ये रिजर्वर बड़ा है वाटर का। ओके इससे तो आसानी से चला जाएगा, जब इतना सारा वाटर है तो कहीं से भी लाओ और अपने प्लांट में डाल दो। ठीक है, ये हो गया। अब टैंक्स, टैंक्स की बात करें हम, तो हमारे छतों पर लगे रहते हैं टैंक्स। अब जैसे वाटर स्टोरेज टैंक होता है, वाटर स्टोरेज टैंक में कैसे होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से होता है वो, वाटर स्टोरेज टैंक में टैंक है वो भी एक तरह का वाटर स्टोरेज टैंक। ओके अब इसमें क्या होता है कि हम वाटर आता है, बारिश पड़ती है, उसके अंदर कलेक्ट हो जाता है वाटर कलेक्ट हो जाता है। ओके अब फिर क्या होता है, उससे हमारे घरों तक पानी पहुंचता है, घरों तक पानी पहुंच जाता है। जब हमारे घर में ये पानी पहुंच गया, अब उस पानी में हमारे घरों में क्या है, पौधे लगे हुए हैं, उसमें हमने वाटर डाला, ऐड कर दिया। सो ये इरिगेशन से हुआ। अब इरिगेशन के बाद आता है क्रॉपिंग पैटर्न्स, अलग अलग पैटर्न्स होते हैं क्रॉप के। सो अलग अलग पैटर्न्स होते हैं ना, ठीक है। सो देखिए कि क्या क्या होते हैं, जैसे मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग क्या है, जैसे अलग अलग तरीके की क्या है, जैसे क्रॉप्स हैं अलग अलग तरीके की, तो वो क्या हो गया, जैसे वीट, वीट हो गई, राइस हो गया, मस्टर्ड हो गया, या ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन, ये सब हो गई। इन सब के, ये सब क्रॉप हमने क्या कर दी, ये सब हमने क्रॉप एक जगह हमने बो दी, यानी कि हमने एक जगह मिला दी, मिक्स कर दी। सो एक जगह कर दी, जैसे यहाँ पे है, मान लेते हैं कि हमने मान लिया कि ये एक क्रॉप है, ये सॉरी ऐसे नहीं, ये बन गई एक क्रॉप। ये किस चीज की क्रॉप है? ये है जैसे वीट की। अब यहाँ पे हमने राइस की कर दी, राइस के बाद फिर वीट की कर दी, अब इसके बाद हमने क्या कर दी, सोयाबीन की कर दी। अब यहाँ पे भी सोयाबीन की, यहाँ राइस की, यहाँ मस्टर्ड की, ऐसे ऐसे कर दी। तो ये मिक्स रहती है, एक तरीके की मिक्स रहती है। अब ये क्या हो गया, मिक्स्ड क्रॉपिंग में आती है ये सब बातें। अब फिर आते हैं कि इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग में ऐसे ही मिक्स, मतलब कि थोड़ा इसी टाइप का है, पर यहाँ पे मिक्स नहीं होती है, जैसे अलग अलग तरह की क्रॉप है। अब जैसे हमने माना कि ये क्रॉप है, मिक्स मतलब मिक्स तो होती है, पर ये कुछ अलग सा काम करती है। क्या करती है कि ये हो गई एक क्रॉप, इतनी एक क्रॉप हो गई, एक यहाँ पे एक और क्रॉप हो गई, यहाँ पे अलग तरीके की क्रॉप हो गई ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये वही वाली क्रॉप हो गई फिर से हमारी, अब ये कौन सी हो गई, ये फिर से वही वाली डॉट डॉट वाली जो क्रॉप है हमारी वो हो गई, ठीक है। अब ये इस क्रॉप को, मान लिया कि इस क्रॉप को कोई डिजीज है, सो इस क्रॉप में नहीं जाएगी, इस क्रॉप में नहीं जाएगी, इसके जैसी क्रॉप में। अब इस क्रॉप में है तो इसमें नहीं जाएगी, क्योंकि क्या है कि इसमें अलग अलग इतनी दूर दूर है ये, इसलिए ये नहीं जाएगी। ओके ये बात हो गई, किसकी हुई है, इंटरक्रॉपिंग, इसे हम क्या कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। अब थर्ड वाली स्टेप आती है किसकी, क्रॉप क्रॉपिंग पैटर्न्स की। क्या आती है थर्ड, थर्ड है हमारे पास की क्रॉप रोटेशन, क्रॉप का रोटेशन कैसे होता है। अब जैसे हमने कोई अलग अलग तरीके की हमने क्या कर दी, क्रॉप्स बो दी, क्रॉप्स एक लैंड के पीस में हमने क्या कर दी, हमने वो बो दी एक लैंड के पीस में, क्या कर दी वो बो दी, ठीक है। अब वो कहाँ था लैंड का पीस, एक प्रीप्लेन्ड में, प्रीप्लेन्ड में। ये क्या होता है, ये क्रॉप रोटेशन एक प्रीप्लेन्ड में होता है, तो वो एक लैंड का पीस वो क्रॉप कहाँ था, वो
प्री प्लेन्ड में था, और इस सक्सेशन को हम कहते हैं सक्सेशन जो होता है ये वाला जो सक्सेशन है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं, क्रॉप का रोटेशन। सो ये कहाँ पे आ गया, ये क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट हमारे क्लियर हुआ। सो अब थर्ड वाली स्टेप रही है क्या एग्रीकल्चर की, वो क्या है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन की बात आ रही है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो ये क्या होता है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेज प्रोटेक्शन में, ओके। अब हमने प्रोडक्शन भी कर दिया क्रॉप प्रोडक्शन, और क्रॉप की वैरायटी में इंप्रूवमेंट भी ला दिया। अब प्रोटेक्ट, उसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अब किस किस चीज से प्रोटेक्ट करें, जैसे वीड्स होती हैं वीड्स, या हम इसे अनवांटेड प्लांट्स भी कहते हैं, अनवांटेड प्लांट जैसे एक्सेंथियम, ओके, एक्सेंथियम और प्रेथेनियम। सो ये सब होती हैं, इन सब से हमारे क्या करते हैं, इसे प्रोटेक्ट क्रॉप को। अब जैसे डिजीज से, जैसे ये इसमें डिजीज हो गई क्रॉप में, इसमें नहीं जाएगी, इसलिए ये प्रोटेक्ट करना होता है ना, ओके। फिर हमारे आता है इंसेक्ट पेस्टिस, इंसेक्ट पेस्टिस यानी कि इंसेक्ट से होती है, ये कहाँ से होती है, इंसेक्ट से होती है। क्रॉप जो होते हैं इसमें जैसे इंसेक्ट आ जाते हैं तो उनसे हो जाती है ना, उनसे प्रोटेक्ट करना। तो ये होता है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब ये थ्री स्टेप हुई, एक चीज बाकी है, क्या बाकी है सोचिए। हमने सब चीज कर ली, सब स्टेप कर ली, अब एक चीज बाकी है, चलिए टाइम देता हूँ मैं, चलिए चलिए। तो आपका टाइम खत्म, अब क्या आती है स्टोरेज, क्रॉप का स्टोरेज, जिसका आंसर ये था स्टोरेज, वो अच्छा है, वो बढ़िया एकदम गुड है। अब जिसका नहीं था सो वो सुन लिया उन्होंने। तो स्टोरेज कैसे, अब हमने सब चीज कर ली है, पर इसे स्टोर कहाँ करेंगे, स्टोरेज कहाँ होगा इसका, स्टोर कहाँ करेंगे। सो या थर्ड स्टेप, सो इतनी सारी चीजें हमने एग्रीकल्चर में पढ़ ली। अब इसके बाद आता है एनिमल हस्बेंड्री, सो इसे हम रफ कर देते हैं सबको, क्योंकि अब हम एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, सो इसकी कुछ भी बात नहीं रहनी चाहिए एनिमल हस्बेंड्री में, ओके। सो एनिमल हस्बेंड्री क्या है, यहाँ मैंने लिख दिया एनिमल, यहाँ एनिमल हस्बेंड्री, ओके, ये हो गया एनिमल हस्बेंड्री। अब यहाँ पे क्या आता है एनिमल हस्बेंड्री, ये हो गया। अब ये जो एनिमल हस्बेंड्री है इसकी फर्स्ट क्या है, एनिमल से जो मिलता है फर्स्ट में मिलता है कैटल फार्मिंग, जो कैटल में जो एनिमल्स रहते हैं उनसे। अब जैसे बॉस इंडिकस ये कोई एनिमल का नाम है, बॉस इंडिकस में आते हैं काउ, क्या आते हैं काउ बॉस इंडिकस में। बॉस बुबेलिस इसमें क्या आते हैं, इसमें बफेलो होते हैं। सो देखिए नाम से पता चल रहा है बॉस इंडिकस का बॉस बुफेलिस, यानी कि बॉस बुबेलिस बुफेलो, ओके। अब फिर जैसे डेरी एनिमल या मिल्च एनिमल भी कह सकते हैं, मिल्च एनिमल ये फीमेल्स होती हैं, क्या फीमेल्स होती हैं। ड्रॉट एनिमल ये मेल होते हैं, क्या होते हैं, मेल होते हैं, ठीक है, इतनी बात तो थी। अब लोकल में क्या क्या चीजें आती हैं, लोकल जो कैटल फार्मिंग होती है लोकल एनिमल्स की, वो उसकी बात क्या आती है लोकल। और फॉरेन क्या, फॉरेन लोकल में जैसे जर्सी काउ होती है, जर्सी काउ। अब फॉरेन में आती है रेड संधि आती है। सो इतनी सारी बातें क्या है, ये कैटल फार्मिंग में आए, किसके एनिमल हस्बेंड्री के, कैटल फार्मिंग। इन सबसे ये जो काउ है इन सबसे क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है कुछ, हमें खाने के लिए मिल रहा है, फूड मिल रहा है इससे, जैसे मिल्क से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं हमें, अलग मिल्क से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ना। अब जैसे इससे मिल्क मिल रहा है, अब मीट भी मिल रहा होता है इससे, है ना, ठीक है। सो मिल्क मिल रहा होता है, और घी, मिल्क से घी बन गया, कर्ड बन गई इन सब से। तो इसमें क्या है, इस सब में न्यूट्रिएंट्स हैं, फूड मिल गया हमें। अब बात कर रहे हैं हम इसके बाद कि पोल्ट्री फार्मिंग क्या होती है। पोल्ट्री फार्मिंग यानी कि जिसमें मुर्गी, हैंस और कॉक ये सब रहते हैं, हैन कॉक रहते हैं, ठीक है।
अब देखिए कि इसमें भी लोकल और फॉरिन आते हैं। क्या आते हैं? लोकल और फॉरिन। लोकल में क्या होता है? लोकल में आते हैं एसिल्स। क्या? एसिल्स। और लेगहॉर्न। लेगहॉर्न किस में आते हैं? फॉरेन में लेगहॉर्न, लोकल में किस में? एसिल्स। अब इसमें हमें कुछ यहां से हमें हेन और कॉक से क्या मीट मिल रहा होता है? एग्स मिल रहे होते हैं। एग्स में कैसे मिल रहा होता है? एग्स हमें लेगहॉर्न से मिल रहा होता है। लेगहॉर्न क्या है? ये फीमेल वाली हेन्स है, ये हेन्स है। और एसिल्स कॉक है, इसलिए उनसे मीट मीट तो उससे हेन से मिलता है, पर एग मिलता है ना उससे, तो इसलिए हमने, पर एसिल से वो कॉक है इसलिए उससे नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हमने ये कर दिया। तो पोलिट्री फार्मिंग समझ में आ गया। फिश फार्मिंग या फिश प्रोडक्शन कह सकते हैं। ओके ठीक है, अब फिश फार्मिंग क्या होती है चलिए देखते हैं। अब अलग अलग फिश रहती है, जैसे मैराइन वाटर में, फ्रेश वाटर में, ये मैराइन फिशर्स में आ गए। अब यहाँ पे अलग अलग तरीके की जैसे फिश रहती है, मैं उनका नाम बता देता हूँ देख के कि मैराइन वाटर में क्या रहती है, फ्रेश वाटर में। चलिए देखते हैं कि मैराइन वाटर की हो गई, मैराइन वाटर की जैसे पेनियस मोडोन मोनडोन पेनियस मोनडोन, और फ्रेश वाटर की मैक्रोबेरियम रोजेन बेरगी, मैक्रो मैक्रोबेरियम और रोजेन बेरगी, और मैराइन में पेनियस मोनोडो। अब ये बतिया बताइए कैसे कैसे नाम है मैराइन में और फ्रेश वाटर में, कैसे कैसे फिशेज हैं। अब इनलैंड एक आता है, इनलैंड फिशर्स। इनलैंड फिशर में हमारी सिंपल्स वाली फिश रहती हैं, जैसे ये वाली जो हमारी सिंपल वाली जो फिशीज होती हैं, ये वाली जो हमारी सिंपल वाली जो फिशीज होती है ना, ये सब आती है। ये किस में आती है? इनलैंड में आती है। कहाँ पे? इनलैंड में आती है। ठीक है, ये फिश बन गई हमारी, ये इनलैंड उसमें आती है, ये सिंपल वाली फिश हमारी, ये बन गई, इसके पंख बन गए। ओके ये सब इसमें आती है हमारी, इनलैंड वाली फिशर्स में आती है। तो फिश प्रोडक्शन समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं बी कीपिंग। क्या बी कीपिंग? बी कीपिंग क्या होती है? यानी कि बी से हमें मिल रहा होता है, हनी मिल रही होती है, हनी मिल रही होती है। वैसे कैसे मिल रही होती है? वो फ्लावर पे बैठती है, वहां से कलेक्ट करके हमें अपने उसका जो घर होता है, होम होता है ना, उसमें जाके कलेक्ट कर लेती है। उसका जो छत्ता होता है उसमें, उससे तोड़ के हम हनी ले लेते हैं, इससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं। ठीक है, ओके, न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स, सॉरी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी आता है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं। ठीक है, ओके, सो इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली एनिमल हस्बेंड्री। ओके ये समझ में आ गया। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? इम्प्रूवमेंटेड फूड रिसोर्सेज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।